हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक विलुप्त प्राय फसलों का क्या महत्व है, इन अनाजों के आटे में क्या औषधीय गुण है, कौन कौन सी फसलें क्षेत्र में पाई जाती हैं? रामपुर अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के दौरान लोगों को जानकारी मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में इन फसलों को लेकर आए किसान हर अनाज की खूबियों और औषधीय गुणों से खरीदारों को अवगत करवा रहे हैं। खासकर शिमला जिला के चुड़गांव क्षेत्र के पेजा चावल की मांग लोग अधिक कर रहे हैं। कई औषधीय गुणों वाला ये चावल हिमाचल में केवल पेजा गांव के खेतों में ही तैयार होता है। इस चावल में कई औषधीय गुण हैं। इसी तरह अन्य फसलें जिन्हें लोग अब भूल चुके हैं उनको भी मेले में किसान बिक्री के लिए लाए हैं। ये सभी फसलें पूर्ण रूप से जैविक हैं। चिड़गाम से पारंपरिक अनाज और आटा लेकर आए अमरनाथ ने बताया कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय लवी पारंपरिक फसलों को लेकर आते हैं। इस बार वे पेजा राइस को भी लेकर आए हैं जो विशेष रूप से पेजा गांव में ही तैयार होता है, बाकी हिमाचल में कहीं नहीं। इसमें कई औषधीय गुण हैं। इसके अलावा कई विलुप्त प्राय अनाज लेकर आए हैं जो जैविक होने के साथ औषधीय गुणों से भी भरपूर है। दरकाली के रहने वाले चेतन ने बताया कि पिछले 15-20 दिनों से वे लवी मेला देख रहे हैं। इनमें विशेष चीजें ये है कि यहाँ की पारंपरिक फसलें, लोकल प्रोडक्ट, सारी चीजें यहाँ देखने और खरीदने को मिल रही हैं। ये पहले हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे और पौष्टिक होते थे, अब लोगों को यहाँ पे मिल रही है। इससे लोगों को अपनी फसलों की जानकारी भी मिल रही है। लोग इन फसलों को फिर से तैयार करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं और उससे कोई भी बच नहीं सकता, ये पुलिस ने साबित कर दिया है। क्योंकि शाम को ही दो चिट्टे के तस्कर जिन्हें आज मेडिकल करवाने के लिए कंडा घाट के अस्पताल ले जाया जा रहा है, तब उन्होंने वहां तैनात पुलिस कर्मियों को थोड़ी सी लापरवाही का फायदा उठाया और वहां से निकलवा गए। लेकिन सोलन पुलिस, जिसने समूचे हिमाचल में सबसे ज्यादा नशे के तस्करों को सलाखों के पीछे पहुँचाया है और जो नशे के खिलाफ अभियान में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण हिमाचल गौरव अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी है। ऐसी पुलिस से बचकर निकलना आरोपियों के लिए संभव ना हो सका और एसएसपी मधुसूदन और एएसपी शिव कुमार की अध्यक्षता में पुलिस की टीम ने कुछ ही घंटों में उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अधिक जानकारी देते हुए डीएसपी योगेश जोशी ने बताया कि दो आरोपियों अशोक और प्रवीण ने उन्हें चकमा देने का प्रयास किया और पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गए थे, लेकिन मुस्तैद पुलिस ने उनका पीछा किया और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पास के गांवों की जर्नी गांव से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों व्यक्ति, जिनकी उम्र 36 वर्ष है, वे चिट्टे के आरोप में पिछले कल गिरफ्तार किए गए थे। उन्हें आज अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन वे वहां से भाग गए। जिन पर चिट्टे तस्करी का तो मामला दर्ज ही है, अब उन पर गिरफ्त से भागने का भी मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। व्हीलचेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से हमीरपुर के सुजानपुर में प्रदेश की पहली हिमालयन व्हीलचेयर क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में पंजाब, हिमाचल की संयुक्त टीम के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ की टीमों ने हिस्सा ले रही हैं। दो दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ एसडीएम सुजानपुर शिल्पा बेक्टा ने किया, तो कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की। इस मौके पर व्हीलचेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रदेश उपाध्यक्ष बाइका श्रूद ने बताया कि पहली बार प्रदेश में आयोजित की जा रही प्रतियोगिता में तीन टीमें हिस्सा ले रही हैं और सभी खिलाड़ियों को व्हीलचेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सम्मानित भी किया जाएगा। बहिन भाजपा मंडल अध्यक्ष ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सुजानपुर में प्रदेश की पहली प्रतियोगिता आयोजित होने से क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है और खिलाड़ियों के दमखम देखकर सभी उत्साहित हैं।
एसडीएम शिल्पा बेगटा ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने संविधान के पहले अनुच्छेद को साबित किया है। भारत विविधताओं का देश है और सभी लोग मिलजुल कर देश के हर गतिविधि में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने अन्य राज्यों से आई टीम के सदस्यों को स्वागत किया और सफल प्रतियोगिता के आयोजन की भी शुभकामनाएं दी।